हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके टेक में स्वागत है। जैसे कि हम डेली सुबह को 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसी से रिलेटिव आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, 2022 सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि 2022 का जो है सरस्वती सम्मान दिया जा चुका है, ये किसे दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, शिव शंकरी को जो है 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो है सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत हुई थी 1991 में इसके ये शुरू किए गए थे, यहाँ से ये भी याद रखना है। व्यास सम्मान जो है ये किसे दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यानी कौन सा अवार्ड होगा, सत्यजीत रे एक्सीलेंस फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, माइकल डगलस को जो है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहां शुरू किया, यानी कौन सा होगा G20 संसदीय शिखर सम्मेलन कहां शुरू किया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन शुरू किया है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और G20 की जो बैठक हुई थी ये कहाँ पर संपन्न की गई थी, नई दिल्ली में। इंटरपोल की जो बैठक हुई थी, इंटरपोल ये कहाँ पर हुई थी, ये भी नई दिल्ली में ही संपन्न की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का पहला बैटलैंड शहर कौन सा बना, यानी भारत का जो है पहला होगा बैटलैंड शहर कौन सा बना। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, उदयपुर। उदयपुर जो है भारत का पहला बैटलैंड शहर बन गया है। और आपको पता होगा झीलों का जो है, झीलों का शहर भी किसे कहा जाता है, उदयपुर को ही कहा जाता है। और सोयद सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। पिछली बार पेड़ में पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार किसने जीता। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, डॉक्टर पिंकी जोबल को जो है मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा, यानी कि जो है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कौन सी रही। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 111वें स्थान पर भारत रहा। पिछली बार जो था 107वें स्थान पर था, 121 देशों में से 7वें स्थान पर रहा, और अब जो है 111वां स्थान आया है 125 देशों में से 111वें स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा दिया, यानी कौन सी किस कंपनी को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, राइट्स लिमिटेड को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप नवंबर में कहां आयोजित किया जाएगा, यानी 11वां जो है सुल्तान ऑफ जौहर कप नवंबर में होना है, इसका आयोजन कहां किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालपुर। और आपको पता होगा विश्व फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहां पर है, कुआलालपुर में ही पड़ता है। विश्व फुटबॉल विश्व फुटबॉल संघ का जो मुख्यालय कहां पर है, कुआलालपुर, यहां से ये भी याद रखना है। अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है, भारत की नई दिल्ली है, यहां से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द बुक ऑफ लाइफ किसने लॉन्च की, यानी कि एक पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ, ये किसने लॉन्च की है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, विवेक अग्निहोत्री ने जो है द बुक ऑफ लाइफ लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 कहां शुभारंभ किया गया, यानी कौन सा होगा इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 कहां शुभारंभ किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नई दिल्ली में जो है इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसने श्वेत संस्था मेरा युवा भारत को मंजूरी दी, यानी कि जो है किस
किसने जो है मेरा युवा भारत को मंजूरी दी गई। चलिए बहन का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, भारत सरकार ने जो है स्वत संस्था मेरा युवा भारत को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारतीयों को इजराइल से निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, यानी कि भारतीय जो है इजराइल में जो फंसे हुए हैं यहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने चलाया। और आपको पता होगा ऑपरेशन गंगा जो था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था। और आपको पता होगा ऑपरेशन देवी शक्ति ये जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी कि इसरो का जो है दूसरा स्पेस पोर्ट होगा ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा। और इसरो की जो स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई, यहाँ से ये भी याद रखना है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ हैं, सोमनाथ इनका क्रम जो है 10वां है, ये कौन से हैं 10वें इनका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसे हासिल किया, यानी किसने जो है रिफाइनरी क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, मैंगलोर रिफाइनरी। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो है तेल संयंत्र कहाँ पर है, मथुरा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया, यानी राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया ये कब मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, 13 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लोरियंस के अम्बेसडर किसे बनाया गया, यानी कि लोरियंस के जो है अम्बेसडर किसे बनाया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है लोरियंस के एम्बेसडर बनाया गया। और इनका जो खेल है कौन सा है, भाला फेंक, भाला फेंक, यहाँ से ये भी याद रखना है। और भाला जो है दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को दिवस मनाया जाता है, यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जास्कर महोत्सव 2023 कहाँ शुरू किया गया, यानी कि जास्कर जो है महोत्सव शुरू किया गया 2023 में ये कहाँ पर शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा बी, लद्दाख, लद्दाख में ये शुरू किया गया। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेमिस कहाँ पड़ता है, हेमिस ये भी लद्दाख में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया, यानी कि विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया ये कब मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। और आपदा अधिनियम कब का है, 2005 का ये एक्ट है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया, यानी कि विश्व एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पूर्वोत्तर का पहला डिफेंस टैक्स शो कहाँ शुरू किया गया, यानी कि पूर्वोत्तर का पहला होगा ये डिफेंस टैक्स शो कहाँ शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, गुवाहाटी, गुवाहाटी में ये शुरू किया गया, यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।